यानी इस लेवल पर इस वर्ष हार्ड वर्क हम लोग करेंगे कि किसी न किसी हाल में आप में से किसी न किसी को टॉपर बना के रहेंगे। तो देखिए इसमें लिखे आरक्षण कोचिंग सेंटर मसौढ़ी एंड जहानाबाद 9, 10, 12 क्रैश कोर्स फ्री डेमो क्लास इन मसौढ़ी 19 सितंबर। 19 सितंबर से जो बच्चे 12th क्लास में हैं और जो क्रैश कोर्स करना चाह रहे हैं मसौढ़ी में, उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराया गया है। और जो बच्चे फ्री एंड डेमो क्लास जहानाबाद में करना चाहते हैं, उनको अभी डेट निर्धारित नहीं किया गया है, दशहरा या दशहरा के आसपास वो डेट अलॉटमेंट हो जाएगा। और देखिए इसमें एक नंबर दिए हैं, किसी भी प्रकार के सूचना आपको कोचिंग से लेना है तो मैंने लिखा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए संपर्क करें 7479728788 पर। एक किसी भी तरह का कोचिंग के बारे में जानकारी लेना है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहां पे मैंने एक बातों को लिखा है, मसौढ़ी में 9th एंड 10th का निशुल्क परिचर्चा 27 सितंबर से, यानी 27 सितंबर से 9th और 10th का क्रैश कोर्स का आगाज होने जा रहा है। जो बच्चे 10th क्लास में क्रैश कोर्स करना चाहते हैं उनको लिए मैं बता दूं 27 सितंबर से यानी 8:15 से लेकर 11:30 बजे तक उनको क्लास चलेगा। फ्री एंड डेमो जरूर रहेगा लेकिन ऑन बेस सिलेबस रहेगा, इसलिए 27 तारीख के आना ना भूलें फ्री एंड डेमो क्लास। उसमें आपको हम बताएंगे कि कौन कौन सर आपके साथ रहेंगे, कौन कौन सब्जेक्ट के साथ। तो देखें यहां पर मैंने लिखा सभी विषयों के मार्गदर्शक गण, यानी मैथ वाइज चंदन सर प्लस नॉलेज सर। मैथ चंदन सर पढ़ाएंगे यानी हम पढ़ाएंगे, साथ में कुछ पोर्शन में नॉलेज सर भी रहेंगे, लेकिन कुछ ही पोर्शन में रहेंगे क्योंकि अधिकांश पोर्शन में खुद पढ़ाऊंगा। और दूसरी बात, केमिस्ट्री भाई अनिल सर, फिजिक्स भाई रजेश सर और बायोलॉजी भाई आर के रंजन सर, हिंदी भाई गोखले सर। यहां से ऊपर के जितने नाम अभी मैंने पढ़ा, चाहे इंग्लिश भाई सहजाद सर प्लस एमपी सर, ये सभी सर जो हैं आईएसी के टीम हैं और आईएसी के बच्चे, आईएसी के टीचर जब 10th क्लास में अद्भुत अंदाज में पढ़ाएंगे तो काफी मजा और काफी शानदार रिजल्ट आने जा रहा है। तो देखिए उसके बाद मैंने आपको बोला संस्कृत भाई रवि रंजन सर, यानी संस्कृत जो पढ़ाएंगे रवि रंजन सर संस्कृत पढ़ाएंगे और बेहतर और खूबसूरत पढ़ाते हैं, क्लासरूम में ही बच्चों लोग को याद करा देते हैं। साथ में हिस्ट्री भाई ललन यादव सर जो जहानाबाद से आते हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं ये। और खास करके मैं आपको बता दूं ज्योग्राफी भाई मनेंद्र सर, इकोनॉमिक्स भाई मुन्ना सर और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में भी पढ़ाते हैं और क्लासरूम में ही लगभग याद करा देते हैं। और सिविक्स भाई सुजीत सर, यानी सुजीत सर बहुत दिनों से हमारे संस्थान में थे और क्रैश कोर्स में आ रहे हैं और बेहतर एक खूबसूरत अंदाज में पढ़ाएंगे। इधर आईएससी के टीम में देखिए जैसे आपको हो गए केमिस्ट्री अनिल सर तो 99 से 90% बच्चों को क्लास में ही याद करा देते हैं, और रजेश सर जो बच्चों को मोटिवेट कर करके क्लास में ही लगभग बच्चों को याद कराने की क्षमता रखते हैं, इस अंदाज के ये टीचर हैं। तो मिला जुला कर सबसे बड़ी इसमें खासियत कि प्रत्येक विषय के अलग अलग टीचर हैं, प्रत्येक विषय के अलग अलग स्पेशलिस्ट टीचर रखा गया है 10th क्लास के लिए। इस वर्ष सुनहरा भविष्य बनाने के लिए हम सभी टीचर टीम तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाएं। तो 10th क्लास खास करके बात मैं बता रहा हूं, 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के मैं चर्चा कर रहा हूं इसलिए अभी 12 बोला गया। तो 10th क्लास के 27 सितंबर से फ्री एंड डेमो क्लास चालू होने जा रहा है। और इसमें एक बगल में मैंने लिखा है एबीपीएन स्कूल मसौढ़ी, यानी आरक्षण बाल प्रतियोगिता निकेतन हमारे संस्थान में ही खुला है, जिसमें मिलिट्री सिमतुल्ला या नवोदय कहीं आप इंटरेस्ट एग्जाम देकर पास आउट होकर स्कूल में जाना चाहते हैं उनकी तैयारी हम लोग कराते हैं। इसमें डेट वगैरह दिया हुआ है, इसके चर्चा हम आगे थोड़ा देर में करते हैं। दूसरा में देखिए मसौढ़ी में 12th क्लास का बैच टाइम और टीचर टीम आपके स्क्रीन पे झलक रहे होंगे। मैथ भाई चंदन सर, केमिस्ट्री भाई अनिल सर, फिजिक्स भाई रजेश सर, बायोलॉजी भाई आर के रंजन सर और हिंदी भाई गोखले सर, इंग्लिश भाई सहजाद सर प्लस एमपी सर। ये सहजाद सर के नाम आप सुने होंगे, मसौढ़ी के इतिहास में
एक शानदार टीचर के रूप में जाने जाते हैं और मसौढ़ी को बहुत कुछ इन्होंने दिए हैं गया के धरती से आकर के। समझिए कि जो कहानी पढ़ाते हैं वो लगता है कि साक्षात वो खुद लिखे हैं, इस अंदाज में कहानी यानी पढ़ाते हैं, जो बहुत खूबसूरत पढ़ाते हैं। और साथ में एमपी सर, जो एमपी सर माने जाते हैं बहुत ही डीप में ग्रामर पढ़ाने के मामले में, तो ग्रामर बहुत ही डीप एमपी सर पढ़ाते हैं और शहजाद सर लिटरेचर को बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ाते हैं। और एक बार एमपी सर पूरा ग्रामर पढ़ा देंगे, उसके बाद एक बार शहजाद सर पुनः आपको ग्रामर पढ़ाएंगे। गोखले सर कहना नहीं है, हिंदी बहुत खूबसूरत पढ़ाते हैं हमारे संस्थान में, लगातार 2013 से लेकर 2023 तक अभी लगभग मान के चले कि रहेंगे और आगे भी सब दिन ये रहेंगे। दूसरी बात बता रहे हैं बायोलॉजी के लिए आर के रंजन सर। आर के रंजन सर में सबसे बड़ी खासियत कि क्लासरूम में कोई भी बच्चे को बिना पूछले एंट्री नहीं होने देते हैं, और एंट्री ले लिया तो उससे पूछना अनिवार्य कर लेते हैं। 90 से 95% जो भी पढ़ाते हैं सभी को क्लासरूम में ही बायोलॉजी को याद करा देते हैं। अभी मसौढ़ी के डेट में एकलौता एक टीचर है आर के रंजन सर, बायोलॉजी के मामले में बहुत खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन और डीप के साथ पढ़ाते हैं। एक खास करके मैं कह रहा हूं बायोलॉजी सर के बारे में, जो सिर्फ उनको जो आप जब भी आते हैं एकदम समर्पण भाव से अपना बाल बच्चा के सोच करो पढ़ाते हैं, इतना खूबसूरत। बाकी आप देख रहे हैं रजेश सर, रजेश सर जो आपको मैं बता दूं फिजिक्स के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेहतर टीचर हैं, क्योंकि उन्होंने खुद जाकर कोटा में कई सालों तक पढ़ाए, लेकिन कोटा में उनको कोटा के आने का सबसे बड़ा कारण कि लॉकडाउन में उनका प्रभाव पड़ा, तो ए आरक्षण कोचिंग सेंटर में ज्वाइन किया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ाते हैं। ये भी बच्चों लोग को बहुत ही बेहतर मोटिवेट करके समझा लेते हैं। और बगल में आप देख रहे हैं भाई अनिल सर, केमिस्ट्री में किसी प्रकार के रिएक्शन रहे जब तक वो समझाएंगे नहीं तब तक बच्चों को छोड़ेंगे नहीं, इस अंदाज के टीचर हैं, इतना बेहतर पढ़ाते हैं। बाकी मैं बता दूं अपने आप के बारे में तो नहीं बोल सकता हूं, हर एक विषय के पूछताछ मैं खुद कर लेता हूं। जैसे एक मैथ बना दिए और कोई कोई बच्चा से कभी फिजिक्स कभी केमिस्ट्री कभी बायोलॉजी हम पूछते रहते हैं बीच बीच में, केमिस्ट्री हो या कोई भी सर है सब बहुत ही बेहतर टीचर हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं आरक्षण कोचिंग सेंटर के सबसे बड़ी खासियत प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट की सुविधा यहाँ उपलब्ध है, और जो बच्चे ट्रेन से आते हैं उनको ट्रेन के समय अनुसार ही टाइम रखा गया है, यानी 7:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, 7:30 से 11:30 बजे तक चलेगा और 11:30 से 12:30 3 या 4 दिन आपका बायोलॉजी रहेगा, बायोलॉजी। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ का टाइमिंग वगैरह भी है, ध्यान में रखेंगे। सबसे बड़ा टीचर टीम जो सभी एक्सपीरियंस टीचर है, इसमें देखेंगे सभी के सभी एक्सपीरियंस, मैं खुद एमएससी एमएड किया हूँ, स्टेट क्वालिफाइड टीचर भी हूँ, यानी इन मेरिट लिस्ट में हूं, पूरे बिहार में हमको तीसरा नहीं चौथा नंबर पर स्थान प्राप्त हुआ है 10+2 में, समझ लीजिए इस अंदाज का मैं हूं, खुद बता दे रहा हूं। एमएससी एमएड खुद मैं कर चुका हूं, उसके बाद देखिए केमिस्ट्री सर बीएड और एमएड दोनों कर चुके हैं सर, रजेश सर बीएड हैं आपको किए हुए हैं, आर के रंजन सर बीएड किए हुए हैं, गोखले सर खुद एक 10+2 स्कूल में एक क्लास अभी ले रहे हैं, सजाद सर ये ज्वाइन है सरकारी टीचर है, एमपी सर बीएड और सिविल इंजीनियर भी हैं। तो आ जाइए आपको मैं बता दूं इसकी आगाज ये बोला अच्छा यहां पर मैं बता दूं निशुल्क परिचर्चा 19 सितंबर से 12 क्लास यानी 17 तारीख के है विश्वकर्मा पूजा, 18 तारीख संडे और 19 तारीख मंडे, यानी धमाका होने जा रहा है मंडे से, तो प्रथम क्लास कृपया ना छोड़ें, काफी बेहतर मोटिवेट के साथ आपको क्लास की आगाज कर दिया जाएगा। फ्री एंड डेमो क्लास में हम लोग ऑन बेसिक देंगे और वो बेसिक सिलेबस में ही रहेगा, सिलेबस से ही स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं इसमें फिर से एक बार मैं बता दूं एबीपीएन स्कूल यानी आरक्षण बाल प्रतियोगिता निकेतन मसौढ़ी में खुल गया है और इसकी तैयारी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हो रहा है, और आने वाले भविष्य में जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे आरक्षण बाल प्रतियोगिता निकेतन में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में आपको लिखा हुआ है सिमतुल्ला मेंस न्यू बैच स्टार्ट 22 अक्टूबर को हो रहा है, आर के मिशन वगैरह का फॉर्म जो है दिया हुआ 31 अक्टूबर नामांकन के लिए अक्टूबर में नामांकन जांच परीक्षा शुरू हो जाएगी, यानी जो बच्चे नामांकन लेना चाहते हैं उनको अक्टूबर के प्रथम सप्ताह या दूसरा सप्ताह से
उनको टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज हम लोग करते हैं। जो बच्चे मेधावी रहते हैं या थोड़ा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उनको कमी रहता है, उनको दूर करते हुए हम लोग सिलेक्शन लेते हैं, तभी जाकर उनको हम पढ़ा पाते हैं। यहाँ पर आइए, आपको सबसे बड़ी खासियत मैं सभी बातों को बता दिए कि 27 तारीख से 9th और 10th का क्रैश कोर्स का आगाज सुबह 7:30 बजे से हो रहा है और 19 तारीख से 12th क्लास का मसौरी में बैच फ्री एंड डेमो क्लास यानी निशुल्क परिचर्चाएं स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप आना ना भूलें। मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार हमारे संस्थान में आकर देखिएगा, हर संस्थान से भिन्न मिलेगा। इसका सबसे बड़ा खासियत यह है कि किसी कोचिंग का बुरा यहां नहीं होता है, सबसे बड़ा उद्देश्य यहां ही होता है कि कोचिंग में आने के बाद राजनीतिक नहीं रणनीति हम लोग बनाते हैं कि किस तरह से बच्चों को मैं सफल बनाऊं, और आपकी सफलता में ही मेरी सफलता छिपा हुआ है। इसलिए मैं दृढ़ संकल्पित होकर मैं पूरे टीम के साथ उतरूंगा और बेहतर और खूबसूरत अंदाज में मैं रिजल्ट दिया हूं और देने के आने वाले समय में भी प्रयास करूंगा। आप तैयार हो जाएं, मैं आपके लिए तैयार हूं। 19 सितंबर सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक 12th क्लास, और जो बच्चे 10th और 9th का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं मसौरी में, उनको 27 सितंबर से चालू होने जा रहा है। तो आप भूले नहीं, तैयार हो जाएं। और थोड़ा सा एक बातों को मैं आवश्यक सूचना में रखा हूं, आरक्षण बाल प्रतियोगिता निकेतन 6th and 9th स्तर के सभी प्रवेश परीक्षा के लिए कब फॉर्म निकलेगा, इसके बारे में अगर पूछना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए संपर्क सूत्र 8757849064 पर संपर्क करें। नेत्रहाट में जाना है, नवोदय में जाना है, सैनिक में जाना है, मिलिट्री में जाना है, किसी भी तरह का फॉर्म अप्लाई करना है तो इस नंबर पर संपर्क करें। हालांकि नेत्रहाट का फॉर्म भर सकते हैं वही बच्चे जो झारखंड के हैं, बिहार के बच्चे के अलॉटमेंट बंद हो चुका है, फिर भी आप इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप ऊपर देखिए, बाकी आप देख सकते हैं क्या क्या चीज है, ये सभी सुविधाएं, ये आप फॉर्म भरने का डेट वगैरह सब आ चुका है, वो एक बार देख लेंगे सभी लोग। यहाँ पे जिनको जो अच्छा लग रहा है उसे स्क्रीनशॉट लेकर अपना स्टेटस में जरूर लगा दे। अंत में मैं एक बात लास्ट में कहता हूं, अगर ये वीडियो से किसी को, इस वीडियो से अगर लगे कि फायदा हो सकता है कोई भी विद्यार्थी का, तो इसे जरूर एक बार फॉरवर्ड करें, सेंस की जरूर शेयर करें। और आपको ले दिमाग में कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए काफी खास बात है, तो स्क्रीनशॉट लेकर फेसबुक के स्टेटस में और अपने मोबाइल के व्हाट्सएप में अवश्य लगाएं। अगर हमारे से थोड़ा स्नेह है तो अवश्य लगाएं, आरक्षण से आपका स्नेह है और आपको ऐसा लगता होगा कि हम वाकई ही खूबसूरत सोच के साथ बच्चों के भविष्य बनाते हैं, तो अवश्य लगाएं। दूसरी बात, जहानाबाद में जो भी बच्चा क्रैश कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊंगा। अभी मैं बता देता हूं कि अभी बैच की वो सूचना जहानाबाद के लिए नहीं है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, मिलते हैं समय अनुसार अपने अपने बैच में ऑफलाइन में। इसे शेयर करना ना भूलें।